बिहार में अब डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले को लेकर सियासत गर्मा गई है। जी हाँ, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली किया तो यहाँ का सामान भी साथ ले गए। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी नेता ने जब 5 देशरत्न मार्ग आवास खाली किया तो अपने साथ सरकारी आवास का बेड, एसी और बेसिन तक ले गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास के जिम का भी सामान गायब किया है, बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर तक निकाल लिया, यही नहीं वॉशरूम के नल की टोटी भी गायब होने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि वह जल्द ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई सामानों की लिस्ट जारी करेंगे। 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने इस आवास को खाली किया है। अब यह आवास मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया, लेकिन आवास खाली होने के बाद ही यहाँ पर बवाल शुरू हो चुका है। देखिए, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो है यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए, तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थी, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही है। आप देखिए, सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे, उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं, महंगे जो सोफा सेट थे उन सभी सोफा सेट को यहाँ से ले जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वाश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वाश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था, उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये आवास को खाली किया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ के जो बेसिक सामान थे, जो सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियां होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम समझ सकते हैं भली भांति जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की परवरिश हुई है, उनकी जो सोच है, जिस परिवार से आते हैं, जिस राजनीतिक दल से आते हैं, कि जब भी उनको मौका मिलता है वो सरकारी संपत्ति को लूटने में विश्वास रखते हैं। उसी के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने आज इस आवास को खाली करने के बाद यहाँ की सरकारी संपत्ति को भी लूटने का काम किया है। नहीं, अब जो है ये सरकारी जनता, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। हमने सारे सबूत के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने, ये नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, आपके सामने है कि ये बेड, आप बेड के वॉल आपको दिख रहे हैं, इसके बेस नहीं है, ये आपको सामने दिख रहे हैं कि यहाँ से टोटी ले जाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सब जग जाहिर है बिहार की जनता के सामने, और बिहार की जनता इस बात को सोच जरूर रही होगी कि पहले जो उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार को सत्ता और शासन भेजा था, तो उन्होंने देखा किस प्रकार से बिहार को लूटने का काम किया था। तो अब इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि बिहार की जनता अब कतई तेजस्वी यादव और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सत्ता या शासन में लाने का कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। आपको भवन निर्माण विभाग के द्वारा अलर्ट हुआ था क्या क्या लिस्ट मिला है? वो सारी जो सारी सूची है, जो सारी लिस्ट है, वो आपको दे दी जाएगी भवन निर्माण के माध्यम से। आप मीडिया को बता दी जाएगी कि कौन सी चीज इनको दी गई है और कौन सी चीज जो है उसकी सूची बनी हुई है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बताया है ये किस प्रकार से इस चीजों को, और साक्ष्य है, वो साफ दिख रहा है कि यहाँ के सामानों को उखाड़ करके यहाँ से ले जाने का काम किया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं, उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया, ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाढ़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए, और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।